ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सत्ता संग्राम में। इस समय वाकई देश में सत्ता संग्राम के लिए युद्ध स्तर पर मतदान हो रहा है। प्रदेश में 12 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और मतदान की गति संतोषजनक है। अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 43% मतदान हो चुका है। स्टूडियो में हम स्वागत कर लेते हैं, कांग्रेस से आए हैं विजय चौधरी जी जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमारे साथ बैठे हैं श्याम सुंदर जी। विजय जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कितना अपने लिए आप अच्छा मानते हैं इस मतदान को? देखिए, जो भी मोदी जी की नीतियाँ थी उनके खिलाफ जो एक जनमत संग्रह हुआ है और ये जो 4% बढ़ा है वो उस बात की ताईद करता है कि उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ लाई हैं उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश 4% एक साथ बढ़कर और उनको हटाने, सत्ता से हटाने के लिए एक जनमत तैयार हुआ है और उसी का ये रिजल्ट है कि भारी संख्या में अभी लगभग 1:30 बजे हैं और फिर भी 43% पोलिंग हो गई है। तो लगता है कि जो रिजल्ट आएंगे आश्चर्यचकित करने वाले होंगे और जो भी सेफोलॉजिस्ट ने इस वक्त अनुमान लगाया है वो सब गलत साबित होंगे। ऐसा लगता है मतदाता इस बार बड़ा शांत है, वो कहाँ जा रहा है, वो किसी भी पार्टी को सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। देखिए, अगर पिछले 70 साल की राजनीति को आप देखें तो हर बार कई मुद्दे आए हैं, हर वक्त 4-5 बड़े मुद्दे होते हैं, उनमें से एक मुद्दा बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। हमारा मानना है कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फेल होना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास व्यवसाय करने के लिए पैसे नहीं है, मार्केट में जो जिनके पास एजुकेशन है उनके पास नौकरियां नहीं है और ये मुद्दा सबसे ऊपर है बजाय किसी अन्य मुद्दे के जिनसे दो वक्त की रोटी किसी मजदूर को नहीं मिलती। ऐसे मुद्दों को लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करिए, जनता उसका जवाब देगी क्योंकि जनता को सुबह शाम उनके खाने की व्यवस्था चाहिए, न कि कोई अन्य वो चाहिए। श्याम सुंदर जी, कैसे जवाब देंगे? इनका तो कहना है कि मतदान इनके पक्ष में जा रहा है। देखिए, ये एक इनके मन में जो भ्रम है उसके सपने जो है वो देखना अच्छी बात है और लेकिन दिन में सपने देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये जनता का जो झुकाव है, मैंडेट है, पूरा मोदी सरकार के प्रति है और बढ़ चढ़कर मोदी सरकार के लिए लोग निकल के आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और राजस्थान सरकार ने जिस हिसाब से इनके साथ छलावा किया, किसानों के, बेरोजगारों के साथ, जैसा मैंने पहले बताया, उसके खिलाफ वोटिंग की जा रही है। और रोजगार की बात रही तो मैं आपको बता दूं, 17 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के जरिए से लाभ पहुंचाया गया रोजगार के लिए, जिसमें आपको जानकारी दे देता हूं, 4.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार लोन लिया जी। तो मैं मानता हूं कि वो जो पहली बार लोन लिया वो लोग नए लोग थे, उन्होंने व्यवसाय चालू करने के लिए लोन लिया तो कहीं ना कहीं रोजगार मिला। आज इंफ्रा अगर देखें, रोड दुगनी गति से बन रही है, ज़्यादा रोड बन रही है जैसा 5 साल पहले था, रेल उससे ज़्यादा बन रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी रोजगार के अवसर मिले। MNCs आई है, मेक इन इंडिया के तहत इतनी नई कंपनियां जो देश में आई है उसमें रोजगार मिला है। कहीं भी कहीं से कहीं तक लोगों में सरकार के प्रति ऐसी कोई मनुष्य वाली बात नहीं है, सब वो सरकार के साथ है, सरकार की नीतियों के साथ है और देश में दोबारा से मोदी सरकार बनने जा रही है और पहले से अधिक वोटों से सारे प्रत्याशी जीत के आने वाले हैं। नोटबंदी, GST, कहीं कोई असर आपको नहीं दिखता पब्लिक का इसके ऊपर? देखिए, नोटबंदी के तुरंत बाद गुजरात में चुनाव हुए, हम जीत के आए। जीएसटी के तुरंत बाद गुजरात में चुनाव थे, हम जीत के आए। और देखिए, जो व्यापारी ईमानदारी से काम करता है उसको कहीं नोटबंदी, ये सब सारे जो फर्क पड़े हैं नोटबंदी या GST का, जिनका व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ 19-20 था या जिनके पास, किसी के पास नोटबंदी में उनको नुकसान पहुंचा है, जिन्होंने रुपयों की जमाबंदी की हुई थी, रुपये अवैध तरीके से रखे हुए थे, जो ईमानदार व्यापारी है उसको नोटबंदी से क्या फर्क पड़ना है? व्यापार जो है ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से लेन देन बैंक के जरिए से हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ये देश के लिए भी अच्छा है। विजय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मतदान हो रहा है ये GST से घबरा के, नोटबंदी से घबरा के, जो एक देश में एक आर्थिक मंदी का माहौल है उसको लेके है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी चुनाव होता है जो पूर्व सरकार होती है या जो सरकार चल रही होती है उसकी पॉलिसीज की अनुमोदना के लिए होता है। मेरा मानना है कि जनता के सामने ये सारे जब चित्र आए कि
लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त करी है उनको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को अपने व्यापार की फॉर्म भरने में, जीएसटी की एप्लीकेशन भरने में, उन सब में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो एक फेस मैनर में जो इन्होंने आर्बिट्री तरीके से जीएसटी को लगाया, उसका रिजल्ट है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक जनमत इकट्ठा हुआ और वो जनमत वोट के रूप में कांग्रेस के फेवर में परिवर्तित होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। और आप मानेंगे कि 23 मई को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और इससे पहले भी वाजपेयी जी की शाइनिंग बहुत चली थी, पर अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल पे चूंकि कोई काम हुआ नहीं था, गांव में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया में मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया को बताना चाहिए था कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से देश एकदम ख़त्म हो गया, सड़क पर आ गया, पर इस बारे में मीडिया भी बड़ा साइलेंट रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, और हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स ने इस बात को प्रभावी तरीके से रखा कि ये सब जो नतीजा, जो रिजल्ट आया है वो एक इस सरकार की इकोनॉमिक फेलियर का नतीजा है, और ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके लिए जनता का जो आक्रोश है वो साबित होगा, और ये परसेंटेज उसी का देन है। श्याम सुंदर जी, मोदी लहर कितनी मानते हैं इस बार, क्या लगता है पिछली बार की तरह आंधी है इस बार भी? देखिए, इस बार मोदी जी की आंधी नहीं है, इस बार मोदी जी की सुनामी है, वो आंधी से भी बढ़कर है, क्योंकि लोगों ने जो उनका नीति देखी है, जिस हिसाब से विश्व स्तर पे भारत देश का गौरव बढ़ा है, विश्व स्तर पे भारत देश की पूछ बढ़ी है, देश का विकास बढ़ा है, और देश को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, और देश के जो देश की जनता ऐसा ही प्रधानमंत्री दोबारा लाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, और मोदी सरकार दोबारा से 23 तारीख को आने वाली है। विजय जी, 25 में से कितनी सीटें मानते हैं? हम देखिए, ये तो अनुमान लगाना तो बिल्कुल अभी, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल है, एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं होती हैं, किसी एक पॉकेट में किसी एक पार्टी या किसी पैरामीटर्स की वजह से वहाँ किसी का वर्चस्व हो सकता है, तो उसी लोकसभा क्षेत्र में दूसरी विधानसभा में किसी और का वर्चस्व हो सकता है, और उनमें माइनस प्लस आज पूरा अनुमान करना बड़ा कठिन हो जाता है, और पूरा अनुमान पहले भी सारे गलत गए हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जब भी सेफोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अनुमान लगाए हैं, तो उनका हर बार मानना है कि हर बार एक जो भी इलेक्शन होता है नए पैरामीटर्स पैदा हो जाते हैं, नई पॉलिसीज़ को लेकर जनता में विद्रोह होता है, नए कारण उत्पन्न हो जाते हैं, तो आज पूरा अनुमान लगाना, हमारा मानना है कि अब कांग्रेस को 25 की 25 सीटें प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्व में भी जब भी ऐसी जिन्होंने आर्थिक देश की आर्थिक राजनीति के साथ छेड़छाड़ करी है जनता ने, उन्होंने उपरोक्त जवाब दिया है जनता ने। जी श्याम सुंदर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, एनडीए मिला के 25 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में आने वाली है। जी, जो राजस्थान सरकार की नीतियाँ रही, जिस हिसाब से 84% अपराध पिछले 3 महीनों में अचानक बढ़ा है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, और जिस हिसाब से नव विवाहित को डोली ले जाते हुए बीच में से अगवा कर लिया जाता है, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी है, किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, लूटपाट की घटनाएं हुई है, बेरोजगारों के साथ छलावा है, तो इसका जो आक्रोश है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को यहाँ पर झेलना होगा, और कांग्रेस सरकार का जो खाता है वो भी नहीं खुल पाएगा, पिछले 2014 की तरह शून्य खाता होगा कांग्रेस पार्टी का। जी, पूरे देश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है, राजस्थान में 2रे चरण का मतदान है, 12 सीटों के लिए भाग्यदाता बनकर मतदाता मतदान कर रहा है। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सुंदर जी भाजपा से और विजय चौधरी जी कांग्रेस से। श्याम सुंदर जी, किस सीट पर सबसे ज्यादा दावा मजबूत आपको नजर आता है, हालांकि आप 25 में 25 की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किन सीटों पर आश्वस्त नजर आते हैं? देखिए, हम सभी सीटों पर आश्वस्त हैं और सभी सीटों पर मजबूती से जीत के आने वाले हैं। जीत का अंतर कहीं पे थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन सभी जगह मजबूती से जीत के आ रहे हैं, एक तरफा जीत है, क्लीन स्वीप आ रहा है। विजय जी, यही सवाल अगर आपसे करें तो? बिल्कुल, कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस सभी 25 सीटों पे विजयी होगी, और जो नतीजे आएंगे वो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। सभी जो भी पूर्वानुमान लगाते हैं उनके पूर्वानुमान भी इसमें विफल जाएंगे वो, और हमारा कहना है कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी, जैसा कि पूर्व में भी जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं देश के साथ,
अपोजिशन ने, तो कांग्रेस को लोगों ने चुना है, आम आदमी की चूंकि आवाज़ है कांग्रेस, कांग्रेस कोई अपनी विचारधारा नहीं रखती, लोगों की जो आम भावना होती है उसको लेके बाहर निकलती है और उसी की अनुमोदना जनता करती है। श्याम सुंदर जी, ऐसा जो आप इतना आत्मविश्वास आप में, क्या पूरी भाजपा में है, क्या उपलब्धियां मानते हैं इतनी आप? देखिए, देश का विकास, देश की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार, देश की उन्नति, जो सारे फैक्टर्स हैं उसको लेकर के पूरे देश की जनता पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में है और पूरा एक बड़ा मैंडेट मोदी जी के प्रति आने वाला है। आपको नहीं लगता विकास से ज्यादा जो आपकी धारणा इस समय राष्ट्रवाद के ऊपर है, राष्ट्रवाद के ऊपर ही ज्यादा आप लोगों का फोकस है? जी बिल्कुल, हम राष्ट्रवादी हैं तो हमारा विषय राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, मानते हैं, समाजवादी लोग समाजवाद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या गलत है? विजय जी, आप क्या कहेंगे, क्या इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्या देश पहले खतरे में था कहीं? नहीं, ये जो इन्होंने इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, राष्ट्रवाद, कांग्रेस से ज़्यादा कौन राष्ट्रवादी पार्टी होगी, कांग्रेस अकेली पार्टी थी जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपने साथियों को खोया, अपने कार्यकर्ताओं को खोया, हमारे नेता 10-10 साल 14-14 साल जेलों में रहे तब जाके एक देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनकी हमें बलि सहनी पड़ी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए और बांग्लादेश को अलग बनाया, 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना ने अपने पास रखे, तो ये साबित करता है कि राष्ट्र इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने साउथ एशिया के अंदर अपनी मजबूत स्थिति में रखा, पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक साख बनाई, और जो भी आज आप देखते हैं वो उस कांग्रेस का ही नतीजा है कि आज यहाँ देश यहाँ पर है। श्याम सुंदर जी, देखिए, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के नाम पे कांग्रेस को बिल्कुल बोलने का अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र अगर ये पार्टी कहती है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सीताराम केसरी राष्ट्र अध्यक्ष थे उनको रोड पे फेंक दिया गया, पांव हाथ पकड़ के ऐसे झूला झुलाते हुए रोड पे फेंक दिया गया, बड़े शर्म की बात है। और रही बात राष्ट्रवाद की, जो चाइना ने हमारे देश के 44,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पे जो कब्जा किया हुआ है वो भी कांग्रेस की ही देन है, आधा कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी कांग्रेस की ही देन है। और रही बात राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जब पाक से युद्ध था श्रीमती इंदिरा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उस समय वो छुट्टी लेके इटली चले गए थे, ये राष्ट्रवाद नहीं है, वो कायर थे, भाग गए थे, वो किसी युद्ध में शहीद नहीं हुए, वो एक आतंकवादी घटना का शिकार हुए जिसमें लाखों देशवासियों ने आज तक जान गंवाई है, कभी आपने उसकी तरफ देखा, उनकी शहादत ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन उनकी शहादत ना गिनाएं, वो आतंकवादी घटना का शिकार हुए, और आज हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है, इस लोकतंत्र में नागरिक मतदाता राजा होता है, आप बोलते हैं कि हम करेंगे न्याय, राजा मतदाता है और न्याय आप करेंगे, न्याय करेगा मतदाता, और मतदाता ने पिछले 2014 में भी न्याय किया और अभी दोबारा न्याय होगा आपके साथ, हमेशा सदैव ऐसा नहीं होता कि आप विकास के लिए देखें कि जब तक आप जिस पार्टी सत्ता में, जो पार्टी है उसके प्रधानमंत्री या उसके राष्ट्राध्यक्ष के खाते में 20-50 हज़ार करोड़ अगर नहीं आ गए तो आप विकास मानते नहीं हैं, आप लोगों की जो सोच है वो गलत है, विकास यानी देश का विकास, उस राष्ट्राध्यक्ष या उस प्रधानमंत्री का विकास कदापि नहीं होता, भ्रष्टाचार की चरम सीमा आपके कांग्रेस सरकार में रही है, 2G घोटाला हो, आज पूरा परिवार जमानत पर है, चाहे आपके राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे उनके जीजाजी हो, चाहे उनकी माताजी हो, पूरा परिवार जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है कांग्रेस पार्टी ने, सदैव देश को लूटा है, लूट के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए, आपके भाजपा के, अगर आपको मैं इंसिडेंट पुराना याद दिलाऊं कि बंगारू लक्ष्मण कैसे एक करप्शन केस में इन्वॉल्व हुए, वो पकड़े गए, और आप हमें सिखाते हैं कि करप्शन क्या होता है,
आपने रफाल का जो मुद्दा है उसके अंदर आप माफी मांगी है आपके राष्ट्राध्यक्ष ने कोर्ट में जाकर के, आप रफाल की तो बात करें ना, आपके राष्ट्राध्यक्ष माफी मांग चुके हैं इस विषय पे कोर्ट में जाकर के, आप ये कहीं भी कुछ भी बोल के झूठ झूठ का भ्रम ना फैलाएं। मुद्दा ये है, आप एक तरफ जाके माफी मांगते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं। मुद्दा ये है कि आपने HCL जो भारतीय कंपनी थी, जो केंद्र सरकार की कंपनी थी, उसको छोड़कर किसी एक प्राइवेट एंटिटी को आपने ठेका दे दिया और उस कंपनी को दे दिया जिसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका इनकॉर्पोरेशन 15 दिन पहले हुआ। तो ये सब एक सोचने का विषय है कि ऐसी क्या बात थी जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनको आपने इतना भारी भरकम ठेका उनको दे दिया। ये इससे बड़ा करप्शन का मुद्दा क्या हो सकता है कि आपने राष्ट्रहित को जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने आपने भारतीय जहाज़ों को बनाने के लिए एक प्राइवेट एंटिटी को दे दी बजाय कि केंद्र सरकार के, और उसका कोई आंकलन, उसकी कोई रिपोर्ट कहीं भी किसी सरकार पर कहीं टेबल पर नहीं थी। ये आपने जो निर्णय लिया उसके पीछे आपकी क्या सोच थी, कोई रिपोर्ट थी वो भी आज तक आपने उजागर नहीं करी। देखिए, जो रिपोर्टें उजागर हो रही है उसमें ध्यान दीजिए, आपके राष्ट्राध्यक्ष जाके माफ़ी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे से गलती हुई, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आपकी पार्टी भ्रम फैलाने का जो प्रयास कर रही है वो देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है और देश की जनता को अच्छे से पता है कि वास्तव में चोर कौन है और चौकीदार कौन है और किसने देश की जनता को लूटा है और किसने देश का विकास किया है। जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब ये जनता नहीं रही जिस तरह से विकास के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर में मोबाइल से लेकर के इंटरनेट सारी सुविधाएं दी है, आज लोग गांव गांव तक सब समझने लगे। ऐसी बात नहीं शामिल जी, वो मोबाइल जो और इंटरनेट है वो आज की देन नहीं है, मुझे लगता है कांग्रेस के राज में ही, शायद वो कांग्रेस के समय ही वो मोबाइल 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 अभी मोबाइल यूज करते होंगे जी, मेरे को वो समय भी ध्यान है कि मैं एक बार इंटरनेट ऑन करके देख के फिर ऑफ कर देता था, आज 24 घंटे खुला होता है। कोई भी नई चीज आती है तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें समय होता है, उसमें लगता है। आज ये मोदी जी की देन है और गांव गांव तक, इसीलिए आज भ्रम फैलाने का प्रयास ना करें। ये भ्रम सोशल मीडिया का मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो भाजपा कर रही है। सबकी अपनी अपनी बातें, सबके अपने अपने दावे, ये अब मतदाता ही फैसला करेगा कि किसके पक्ष में मतदान होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।